गिरिडीह शहर के पचम्बा थाना के पीछे बाजार समिति के पास स्थित संकट मोचन नामक टायर दुकान के गोदाम में आज दोपहर कुछ असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी। आग लगने के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। इतना ही नहीं, टायर में आग लगने के बाद आग की लपटें और धुआं पूरे शहर में उठने लगी। ऊंची ऊंची आग की लपटें और धुआं देखकर लोग काफी डर गए। हालांकि जैसे ही आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड की टीम को मिली, वो तुरंत फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। टायर का यह गोदाम बाजार समिति के पास स्थित एक खाली पड़े मैदान में बनाया गया था, जहां काफी संख्या में टायर जमा करके रखा गया था। कैसे लगा आग? था पत्ता होता था, हो सकता था गर्मी के कारण ही कुछ तो इस हत्ता में क्या रखा हुआ था? पत्ता है, किनारे टायर है, पुराना टायर है, टायर पूरा बगान लगा लगा। कितना कितना का नुकसान हुआ? 3 लाख के। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार।